मोगा के एक डॉक्टर वरिंदर सिंह ने अनोखी पहलकदमी करते हुए कुदरती समगरी नाल पांच कमरियां दा घर बनाया। घर बनाने लई पशुओं का गोबर लक्कड़ अते रेंद खून की वरतों की गई। सूरज की रोशनी आवेगी तो सारे कमरियां विच अते हवा दीवारां विचों दी लंघेगी। मोगा जिले के कस्बा कोट इसे खां विच 10 मरले विच बनिया भारत का पहला घर सूफी गायक कंवर गरेवाल अते मोगा के विधायक डॉक्टर वरिंदर सिंह नूं देखण पहुंचे। डॉक्टर वरिंदर सिंह जिसने मनुखी जीवन दे 100 साल तो वध जीवन जीवन का वादा भी किया दावा भी किया है। पहला तो बहुत बहुत आदर सत्कार सब भरावान का। हाँ, मैं भी अजे इस घर को देखना है, महसूस करना है भाई। सो हजे स्ट्रक्चर देख लिया बाहरों अंदर, हूँ मैं थोड़े आने तो पहलों सरदार भुल्लर साहब समझा रहे थे कि बंतर की है की। हाँ, मोटी जी गल जरूर पता कि कुदरत नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है इस घर बनने। सो कुदरत दे फैसले नाल उहदी आग्या नाल ही सारा घर बनिया। समझ रहा सी मैं हुण कि ऑक्सीजन का लैवल जिदा आम घरां दा 2 हुंदा, तुसीं कहिंदे सी इहदा 11 पीएच 2 हुंदा, इहदा 11 है। सो समझ रहा सी हुण कि कैंसर है जिहड़ा 6 तों थल्ले हुंदा बई, जी जी पीएच 6 तों थल्ले, जिन्ना पीएच घटदा जाएगा कैंसर सैल वधदे जाणगे। सो इहनां घरां च जिहड़ी अपने आप च डॉक्टर है इह घर। सो हुण सारा विजिट करदे आं, इहनूं महसूस करदे आं। सो जो जो चंगीआं चीज़ां होणगीआं सो जरूर मैं कोशिश रहूगी कि मैं स्टेजा पर भी बयानात करा सारी तो आपके घर भी अपलाई करिए। पैर भार तो बई हूँ असं बैठने ही हट गए है ना, हूँ तो पैर भार तो पहला तुम ला लो मोटे जे काम साढ़े साड़िया बीबिया देख लो, दुध रिड़कदिया पैर भार से, धारा चुनदियाँ पैर भार से, सारा वेहड़ा लिपदिया पैर भार से, अच्छा तड़के जंगल पानी भी आते भी पैर भार से। सो हूँ तो जानी अद्धा जहा बैठा बंदा अद्धा जहा खड़ा है। सो बाकी सारिया काबिले तरीफ ने चीज़ा। सो सानू बाकी मुक दी गल है भाई, सानू वापस आना पैना इत्थे, कोई नहीं हजे एक करी पंजी दा भाण देख लिए होर सारे, पर अखीर ते आके साडा बचा ही है जदों कुदरत ने खुश होना भाई जी। इतना स्मैल ही ना, असी घर मोहाली जिथे असी हुण घर बनाया ना भाई, असी हालांकि इदां दा तां नहीं बनाया घर, पर असी उत्थे बकरियां रखियां गऊं रखियां, जिहड़ी गोहे दी इक स्मैल है ना उहदी है ना, वो साढ़े मन के चलो भी हम अतीत तो जुड़ी हुई है नाल, वो सानू फील दिंदी वो चीज़ें जो स्मैल आती है। सो इतें भी हम यदि एक इस मिट्टी की एक खुशबू है, कंधे थोड़ा नेड़े होकर देखते हैं तो एक एक उही पुरानी जी खुशबू आती है। सो लक्कड़ है आ पत्थर भी जिवें डॉक्टर भाई कितों मंगाया तुसीं, इह तमिलनाडु दा स्टोन है, तमिलनाडु दा स्टोन है। सो हजे जानकारी सारी लैंदे आ। सो बेशक भाई तुहाड़ी गल वाजिब है कि इह चीज़ां साढ़े नेड़े तेड़े है, सो ये फायदा ही देनगियां सानू, नुकसान करनगियां। आम तौर ते गीता दे विच इक खुशबू सुनी दी है जी, जिहड़ी कि पुरातन असीं कह सकदे हां कि 1947 तों परां पचले नहीं गए, तां इस घर नूं लै के इक दो लैणा जे हो जांदा जी। ए रंगा दी माया च बंदा नशर हो रिहा है, ना रहदा रंगा दी माया च बंदा नशर हो रिहा है, असर हो रिहा है मेरे माला तेरा जिक्र हो रिहा। सोसरी है बाबा जी, इस एनर्जी दस रहे। ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟੀ ਸਿਖਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪੁੱਲਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਟਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਰੀਦਿੰਗ ਵਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ
सुबह जो सूरज चढ़ेगा तो सारे घर के इतने जी नैचुरल लाइट अंदर जाएगी, ईवन बेसमेंट के भी हर रूम के जी हैगी लाइट जा रही है। असी इंडिया के पता नहीं क्यों हूँ जोड़ा है बारलिया चीज़ा देख के असं उन्होंने जल्दी अडोप्ट कर लें। सो ये घर बिल्कुल उदा द जिस तरह का असी देखते सके, मैं भी वेख्या मेरे नानके एक दो रूम इदा के रह गए थे, बाकी तो सीमेंटड हाउस बना ले सारे लोगों ने, बट बहुत अच्छा लग्या। मैं सबनों कहूँगी कि काइंडली सारे एक बार जरूर विजिट करके वेखो, बहुत अच्छा लग रहा है इतने आके, एंड रियली इनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है। सो एक बहुत साढ़े बच्चों के लिए और साड़ी सेहत के लिए बहुत अच्छा है घर। पहला तो जिन्हें भी इतने सूझवान सज्जन पहुंचे, सुबह संत बलबीर सिंह सिचेवाल जी आए थे, उस तो बाद टोस साहब आए ने तो धर्मकोट हल्का, फिर खोसा कोटला दे संत गुरमीत सिंह जी आए जिहड़े कि कुदरती प्रेमी ने बहुत ज़्यादा, और उस तो बाद डॉक्टर शिवदर्शन मलिक जी आए जिहड़े कि पी एच डी ने कमिश्न के उपर, जिन्हें टैक्नीकल कोलैबोरेशन असी इस प्रोजैक्ट को सिरे लगाया है। और उस तो बाद बहुत बहुत धन्यवाद है कन्वर भाई का, बड़ा सपोर्ट तो बड़ा साथ रहा इन्हों का हर जगह पर, और जो इस तरह के वड्डे भाई सिर पर हाथ रख देते हैं सपोर्ट दे, साडे कदमों रफ्तार आ जाती है। सो इन्हों का भी जी आयां नूं वैलकम करते हैं। जिहड़ा कंसैप्ट है वो मैं सिंपल करके दसूँगा, टैक्नीकल नहीं है, ता जो आम बंदे नूं समझ आवे इस घर की वैल्यू। पहली चीज़ है जिहड़ा भी बंदा सुबह दा आ रहा वह कहिंदा जी पुराना घर है, पुरातन घर है, पुराना घर है, पुरातन घर है, वो इस करके कह रहा क्यों उन्हां नूं ये वजह नहीं पता। अगर एक नैचुरल साइंस नूं बिलोंग करते लोग, एज ए मेरा प्रोफेशन डॉक्टर है, तो इस प्रोफेशन के लोग अगर गोबर से वापस हाथ पा रहे हैं, जां तां मैं पागल हो सकता तो जां मैनूं कोई गल दी समझ आ गई हैगी है, गैटिंग दोनों च एक चीज़ तो हो सकती है। तो ओवरऑल जे असी इस कंसैप्ट वाल आए उहदे तीन कारण ने, यूनीवर्सल है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द असी सारे सुन रहे हैं, मीडिया तुसीं इहदे ते कन्वर्सेशन भी करदे हो। ग्लोबल वार्मिंग दे हल दी अगर गल करिए तां इह उहदा फस्ट सोल्यूशन है। धरती तीन तरह के जंगल नाल भर गई है। सब तो पहला जिहड़ा जंगल हैगा वह हैगा कार्बन, गैटिंग साढ़े तन ते पाए कपड़े तो लैके साडे घर दे विच लगे हर पेंट, साडे व्हीकल, हर चीज़ नूं जदों प्रोड्यूस किया गया धरती ते, तां उहदी वजह नाल कार्बन रिलीज़ होया है, क्योंकि फैक्टरी चली है तुहाडे कपड़े लई, रुमाल लई फैक्टरी चली है, गैटिंग तुहाडे टूथपेस्ट लई फैक्टरी चली, हर चीज़ लई फैक्टरी चली, तो कार्बन रिलीज़ होया जिहदी वजह नाल ग्लोबल वार्मिंग आई है। दूसरा रेडिएशन का जंगल, और तीसरा है कैमिकल का जंगल। इन तिना चीज़ों तो जे अगर असी धरती आज़ाद करवाना है वो बेस्ट सोल्यूशन है। असी देखो दुनिया में एड्डी जल्दी बदल नहीं पावे, बेस्ट सोल्यूशन है कि असी कम से कम अपने घर में ब्रीदेबल वॉल के नाल बनाई, सह लैन वाली कंधा, सह लैन वाली कंधा का मतलब है जे वायुमंडल के जिन्ना भी सस्पेंडिकल पार्टीकल है तो जिन्ना भी कार्बन वो अंदर एड ऑन है वा, और हजार्डर्स जिहड़े कैमिकल्स एड ऑन है अगर उन्होंने तोड़िया कंधा नहीं सोखनगियां तो फेफड़े और स्किन सोखेगी, वो कितने तो जाके अबजॉर्ब होने ही होने हैं। हाँ असी धरती नहीं बदल सकते, हर इंसान अपने घर रेगुलर 10 to 12 घंटे स्पेंड कर रहा है, असी 24 घंटे के उत्ते काम नहीं कर सकते फिलहाल, लेकिन जो टाइम तुम अपने घर स्पेंड कर दो जिसे तुहाडे बच्चे है, तुहाडी घर की गृहिणी है, माता पिता है, तुसी अपने पूरे दिन की थकावट उतारण आते हो उस घर दी कंधा नूं, अगर तुसी ब्रीदेबल सह लैण वालियां बना सकते हो, कैमिकल फ्री बना सकते हो, दैन तुसी इस कार्बन के जंगल तो, कैमिकल के जंगल तो, और रेडिएशन तो डीलिंग हो सकते हो। उस तो बाद ही आपां गल कर सकते हैं कि मैं 100 साल जाना, जे कोई कहे जी मैं कल्ला नैचुरल पैदा करके ऑर्गेनिक पैदा करके 100 साल जाऊँगा, कंसैप्ट कंप्लीट नहीं होंदा। हाँ 100 साल का हिस्सा जरूर है लेकिन वो कंप्लीट कंसैप्ट नहीं है, क्यों खाना असी खाने 1.5 to 2 किलो साल इन्हें 11,000 लीटर तो ज़्यादा क्वॉंटिटी कि होगी हवा की, तो 11,000 लीटर जी बहुत वड्डी क्वॉंटिटी है, और तुहाडे सैल की पहली खुराक है, खाना ने सैल तक जाना 4 to 6 घंटे च, सह लिया कुछ सैकेंड जी पहुँच गया, तो सब तो फास्ट जिहड़ा व्हीकल है तो उहदे लई सानू एक छोटा जिहा एफर्ट है, मॉडल है ये साडा वेलबींग हैल्थ ऑर्गनाइजेशन का होम साइंस।